फलस्तीन के खिलाफ गोदी मीडिया के बड़े झूठ का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सोशल मीडिया पर जिस जर्मन लड़की का वीडियो दिखाया गया था, जिसमें हमास के सैनिक उनको निवस्त्र करके गाड़ी में ले जाते हैं और बाद में बताया जाता है कि उस लड़की को मार दिया गया। दरअसल फलस्तीन के लोगों ने उसे लड़की को इजरायली सैनिकों से बचा लिया और अस्पताल में एडमिट कराया। लड़की की माँ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि मेरी बेटी शानी लूक जिंदा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी जर्मन सरकार से गुजारिश है कि उसे जल्द से जल्द उसके घर जर्मनी लाया जाए। सोशल मीडिया पर इस खुलासे के बाद गोदी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। पत्रकार काविश अजीज द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए जनता ने कहा, लेकिन मीडिया तो अलग ही खबर दिखा रहा है, फलस्तीन को बदनाम करने में लगा है। इस पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, अब दावा किया जा रहा है कि जिस जर्मन महिला को मृत बताया जा रहा था वह जीवित है। कल इजरायली बच्चों के जले हुए शवों के बारे में भी खबरें आईं कि वह खबर पक्की नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि युद्ध के पहले प्रोपेगंडा वार चलता है, एक मिनट की क्लिप इधर से, एक मिनट की दूसरी क्लिप उधर से, हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों के समर्थकों को खाद पानी मिल जाता है प्रोपेगंडा के लिए। कोई नहीं जानता सच क्या है। इसराइल फलस्तीन एक पॉलिटिकल मसला है। अपनी स्वाद से ऊपर उठकर पश्चिमी ताकतें अगर इसे हल करने की कोशिश करती तो स्थायी शांति स्थापित हो पाती, लेकिन उनके गंदे खेल ने पूरे इलाके को नरक में तब्दील कर दिया है और यकीन जानिए ये खेल भयावह कर्ज में डूबे अमेरिका को भी कम भारी नहीं पड़ेगा। इस पर चंदन नाम के एक यूज़र लिखते हैं, ये खबर सही है, अभी मैंने चेक किया है, लेकिन इसके हालात बहुत ख़राब हैं, सर पर गहरी चोट है, गाजा के अस्पताल में भर्ती है। एक और यूज़र लिखते हैं, प्रोपेगंडा वार रियल वॉर से भी खतरनाक और अधिक मारक क्षमता वाली होती है। यूज़र ने लिखा, यहूदियों ने हिटलर का अत्याचार सहा भी है और गोयबल्स के प्रोपेगंडा देखा भी है, आज उसी तरह के प्रोपेगंडे का इस्तेमाल वो फलस्तीनियों पर कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो निर अपराध आम जनता ज्यादा हताहत होती है, ज्यादा परेशानी झेलती है, फलस्तीन का अलग देश होना ही समाधान है। एक यूज़र ने लिखा, झूठे प्रोपेगंडा वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल करा के फलस्तीनी नागरिकों को ख़त्म करने की साजिश है। मोहम्मद रेहान फजल नाम के यूज़र ने लिखा, इसराइल फलस्तीन के खिलाफ प्रोपेगंडा फैलाने में बहुत माहिर है, वो नरसंहार करने से पहले प्रोपेगंडा वार करता, जिसका साथ यूरोप से लेकर एशिया तक के कॉलमनिस्ट, रिपोर्टर, एंकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट और लीडर देते हैं। इसलिए किसी भी वीडियो को देखकर अपनी राय ना बनाएं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें वहां तक पहुंचाते रहें।